हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपका किरण, कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल बढ़िया, होपफुली आप भी बढ़िया होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए एक न्यू व्लॉग। तो अभी बज गए हैं 5 सुबह के। आप सोच रहे होंगे क्यों 5 बज गए, मतलब 5 बजे मैं क्यों व्लॉग बना रहा हूँ। तो हमारा एक एकदम प्लान बना है, मतलब पहला प्लान तो ऋषिकेश का था, वो भी ऐसे ही बना था और ये भी ऐसे ही बना है। अनप्लान ट्रिप है, मतलब मथुरा जा रहे हैं हम, होली तब खेल ली यहाँ पे हमने, अब सीधा वहाँ पे जाएंगे क्योंकि बोला जाता है कि वहाँ पे भी होली खेली जाती है। तो वहाँ पे आपको दिखाता हूँ कैसी होली खेली जाती है, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है और आपका भी होगा। तो मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करूँगा, उम्मीद होगी कि अच्छा व्लॉग बनाऊँ, मतलब मैं अपना बेस्ट दूँगा। तो व्लॉग को पूरा एंड तक देख के, तो अभी जाएंगे, किसी गाड़ी आएगी, ड्राइवर कितने जने, 5-6 जने हम, 5 हैं। तो दिखाता हूँ आपको पूरा व्लॉग, व्लॉग को पूरा एंड तक देख। मथुरा, मतलब जल्दी पहुंच गए, हम निकले थे 5 बजे, 7:30 पहुंच गए, मतलब 2.5 घंटे में पहुंच गए। तो अभी तो जस्ट पहुंचे हैं, उसके बाद हमारा प्लान है द्वारका जी जाने का, जहाँ पे मतलब मेन होली बनती है। तो वैसे अभी पक्का नहीं पता कि यहाँ होली बन रही है या नहीं बन रही, हमें पता नहीं है कि आज होली, मतलब कल तो हमने खेल ली पर हम सुना था कि आज यहाँ पर होली है। तो ये है एक राजा घाट, तो यहाँ पर अभी हम जाएँगे घूमने, मतलब यहाँ बोट है तो पूरा मतलब ये मतलब एक्सप्लोर करेंगे, मतलब कंस मामा का वो है ना महल, ये सब वगैरह है। तो देखते हैं, अगर करेंगे तो आपको दिखाऊंगा मैं बोटिंग। सो गाइस, अब हम जा रहे हैं बोट पे, मतलब यहीं पे बहुत सारी बोट है और ये है जमुना नदी और उधर है, मतलब सारे यहाँ पे घूमते हैं आके। मंदिर अंदर से दिखलाएगा, बाकी के जो घाट हैं वो बोट में से आएगा।
गाइस कर लिए हमने दर्शन द्वारकाधीश के, अच्छे दर्शन हुए, मतलब वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था तो इसीलिए वीडियो नहीं बना पाया। तो अब जाएंगे द्वारा बोट में बैठेंगे, मतलब एक घंटे का इसका टूर जो भी करवाएगा, एक घंटे का, और अभी और कहीं ले जाएगा, जहाँ ले जाएगा बताता हूँ आपको। झंडा ले रहा हूँ कंस का किला, कंस का लेके चलूंगा पहले, यहाँ तक तुम चल लो, और ऐसे घुमाता हूँ लेके चलूंगा टाप में, चलो कंस वहीं बुलाता हूँ, कंस मामा, कंस मामा रेड कलर का गेट है, वो मेन गेट है, अंदर इसकी एंट्री नहीं है, छत पे जाने दूंगा। किसका है? श्री कृष्ण जी के जो गुरु थे, क्या नाम था गुरु का? बोल गए भैया, द्रोणाचार्य नहीं, गुरु का नाम आया था द्रोणाचार्य। अरे यहीं पे रहते थे इनके गुरु। तो गाइस अब हम आए हैं कंस हाँ कंस मामा का किला, जो कंस थे ना हमारे, मतलब कृष्ण जी के मामा, तो उनका किला है, मतलब अंदर वहाँ जाने नहीं देते, किसी की कोई परमिशन नहीं है, चाहे कितना बड़ा आदमी हो, अंदर नहीं जाने देते, बाकी जो टॉप है ना वो छत पे, वहाँ पे जाने देते। यही है कंस मामा का वो किला, मतलब टीला, यहाँ पे मतलब जो मेन महल है ना उसमें वहाँ पे वो लगा रखे हैं बिजली के तार, मतलब करंट है उसमें, मतलब वहाँ जाने नहीं देते किसी को भी, चाहे कोई भी हो, क्योंकि वहाँ कुछ हो भी सकता है, हमें कुछ पता नहीं है, वहाँ है उधर मेन उस पार, इतना खास ही नहीं है, पर अंदर क्या है वो मतलब आज तक किसी को पता नहीं चला है कि अंदर क्या है और क्यों नहीं जाने। एक ही साड़ी है इतनी लंबी, अरे इसमें हम भी जुड़ सकते हैं नरेला से लिया है। गाइस ये देखो यहाँ पे, मतलब यमुना जी को साड़ी पहना रहे हैं, इतनी बड़ी लंबी साड़ी है, यहाँ से लेके मतलब चौड़ाई इतनी होगी ना, वहाँ से लेके यहाँ किनारा जितना है उतनी चौड़ी होगी, हमको भी सिखा दो यार, मेरी बारी है ना। और क्या, मैं अभी तो मेहनत करूंगा, सब है आप पहले ही डोबे यहाँ पे घूम लिया, क्या था वो, बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे मंदिर, द्वारकाधीश मंदिर, और वो बोट वाले ने भी पांच छह अच्छी जगह घुमा लिया, आपने देख लिया होगा व्लॉग में। अब हमारा प्लान है आगरा का ताजमहल का, मैं पहली बार जा रहा हूँ अपनी लाइफ में, कभी गया नहीं हूँ, आज पहली बार है, और आप भी नहीं गए तो मैं आपको यहीं से घुमा दूंगा व्लॉग से, तो व्लॉग को पूरा एंड तक देखिए।